जैसा कि कल तंजी के मैंने अर्थ किया था कि सिलसिला पसंदीदा के नाम परमान का इशू सुनने वाले लोग हैं, मोहसिनी है इस्लाम। आज की तकलीफ हम नजर कर रहे हैं बारगाहे माने हरम सरदार यारा सुल्तान यारा हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंसान को आवाज दी जा रही है। कुरान की कसम खाकर
इंसान को नहीं पुकारा जा रहा, जो मुसलमान में से है उसे तो खातिब किया जा रहा है, तो सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि इंसान कामिल को आवाज दी जा रही है। हर इंसान को खातिब नहीं देगा ऐसा, तो मुसलमान में से है और सिराते मुस्तकीम पर है। यासीन ऐ इंसान, तो अब इंसान को पहचाने कैसे जाए कि वो इंसान कौन है, कौन इंसान है? अल्लाहमान अल्लाह कुरान वाला इंसान, रहमान ने इल्म कुरान दिया फिर इंसान को खल्क किया, तो ये भी आम इंसान नहीं है। जिसे कुरान दिया गया पहले फिर पैदा किया गया वो इंसान, यासीन वल कुरान हकीम, तो वो इंसान, वो इंसान के कुबरा के मरतबे पर पाए थे वो इंसान, उसकी कसम कुरान की कसम, उससे कहा जा रहा है कि तू मुसलीम में से है, तू मुसलमी। ये इसरा इसलिए है कि या कहकर पुकारना, ये बताना है इंसान को कि हर इंसान कुरान का मुखातब नहीं बनता, कहीं आप कहा कहीं साफ कहा कहीं नून व कलम कहा। और तकरीर में यही लिखा मोहिउद्दीन अरबी ने कि जहां साफ कहा गया वहां मुराद है सूरत मोहम्मद, जहां नून कहा गया वहां मुराद है नफ्स मोहम्मद, जहां आप कहा गया वहां मुराद है कलमे मोहम्मद, और जहां का हमारे। अब यहां अगर सीन से मुराद इंसान है तो या हरफे हिदा है, और जब या हरफे हिदा है यानी या कहकर पुकारा जाए तो सिर्फ यहां नहीं, यहां तो अभी तय नहीं के इंसान कौन सा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, यानी जहां भी मुखातिब किया जाए पैगंबर को हरफे निदा रहे। अब पता चला कि माबूद चाहता है कि या कहकर पुकारा जाए, तो जब माबूद पुकारे या रसूल अल्लाह तो इंसान को नहीं पुकार सकता, बिगड़ देते। तेरी कसम और कुरान हकीम की कसम, हालांकि दो सोना है कुरान की, कुरान मुबारक भी है, सिर भी है, अजीम भी है, जिल भी है, मुबीन भी है, नूर भी है, रूह भी है, दिल भी है, ये कुरान के नाम है, ये सारे कुरान के नाम है जो कुरान में आए। लेकिन यहां हकीम का कुरान मजीद नहीं कहा, नूर नहीं कहा, नहीं कहा, सिर नहीं कहा, मुबारक नहीं कहा, हकीम कहा। कोई खास बात है कि यहां हकीम कहा जा रहा है, तो हकीम के मानी क्या है? हकीम के मानी है लगत अरब में कि वो शख्स जिस पर दलील कायम की जा सके, जिसकी दलील कितनी मुस्तहकम हो कि कोई जवाब दे सके। हकीम का लफ्ज खुद ये बता रहा है कि कुरान मौजूदा है, खुदा खुद कह रहा है इसका जवाब नामुमकिन है, इसलिए कि हकीम है कुरान। तो अब कुरान के साथ जिसका नाम आएगा उसका भी हकीम होना लाजमी, दोनों नाम जब साथ आएंगे, यासीन भी इल्म कुरान भी इल्म, यासीन भी इल्म कुरान भी इल्म, यासीन भी नूर कुरान भी नूर, यासीन भी सिर्फ कुरान भी सिर्फ, तो यासीन भी हकीम कुरान भी हकीम, जिसकी दलील न लाई जा सके, जिसका जवाब नामुमकिन हो। पाकिस्तान कबुल मस्जिद अमरी यहूदियों का एक वक्त आया और उनका बड़ा आलिम आया और गुफ्तगु ये थी कि तौरे से मूसा की नबुवत पर गुफ्तगु, मूसा की नबुवत पर गुफ्तगु, दलील में सिर्फ तौरे
गुप्तगुप्त का जब आगाज हुआ तो आगाज ने फरमाया कि हम मूसा की नबूवत पर क्या शुरू गए, क्यों कहिए कि मूसा के पास नबूवत की न कोई दलील थी, न मूसा कोई मौजदा नहीं पाया। तो उसने बड़े प्रकार यह आप कहते हैं इसलिए कि आपके कुरान में तो बेशुमार मुझे मूसा के हैं और नबूवत पर बेशुमार नहीं है कुरान में मौजूद। तो कहा यही तो हम कह रहे थे कि फिर तौरात जो दलील बन रही है कुरान से क्यों नहीं गुफ्तगू कर रहे हो, यानी कुरान के द्वारा मूसा की नबूवत साबित नहीं, आज अल्लाह ने मुझे साबित किया का फिर दलील कहां से आएगी अगर कुरान को नहीं मानोगे। यह है कुरान की हिकमत, कुरान हकीम की कसम, यासीन की कसम और कुरान हकीम की कसम। तू मुस्लिम में से है सारी कतीरे पड़ी
मकबूल तरीन तकरीर मौलाना मौजूदी सारी जिंदगी जहां गुरु पे मुकद्दिया आता है और इनका इसका ये बंद होकर नहीं होता तो जब खुदा को अपने पास ही रखना था तो इनको नाजिल क्यों किया? जरूरत क्या थी कि बंदों के लिए भेजा जाए? एक तरफ कहे फिर करो आम से काम लो तरफों से काम लो और फिर मानी नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे तो फायदा क्या? वो अल्फाज भेजेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? किसी तकलीफ में आप किया कि अगर कुरान से किसी बात को आप छोड़ जाएंगे ये भी मानी हमको नहीं मालूम मामूम को मालूम है तो मुसलमान को हद से अलग कुरान का अलग करने का कुछ नहीं लिखेगा लेकिन यूरोप और अमरीका वालों को उनके जैसे शिष्टाचार को आप नहीं होते उन्होंने कहा अली नाम नहीं ठीक है मुसलमानों को मानी नहीं मालूम लेकिन अल्लाह ने कुरान का आगाज इश्तराकियत के अकीदे से किया क्या निजम के अकीदे से किया अली के मुराद इश्तारे नाम के मुराद लिविंग नी के मुराद मौत यही होगा जब आप मानी नहीं बताएंगे तो यही होगा एक तरफ ये थे दूसरी तरफ कई बार यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हुए निजामिया पर दानिशवर ने लिखा कि जर्मनी स्कॉलर से कहते हैं वहां से रहने वाले दानिशवर का कहना यह है कि ये हुरूफ के मुकद्दरात अगर समझना चाहते हो तो कुरान ने बहुत बड़ी डिग्री दी है और ये निजामिया की भी है और फिर क्या है हुरूफ हुरूफ नहीं थे तस्वीरें थी तस्वीरें देख कर हुरूफ मकरज से निकाले जाते थे हुरूफ शक्लें नहीं हर जबान में सबसे पहले सुरियानी जबान फिर इब्रानी जबान फिर अरबी जबान फिर उसके बाद दुनिया की और जबानें फारसी और उसके साथ संस्कृत का चलना और फिर रोमन से अंग्रेजी का आना ये सारी जबानें अपनी जगह पर आज जो हुरूफ थे अलग की जगह पर गाय अक्सर था बैठा हुआ गाय अक्सर उसको अलग कहते अलग के मानी गाय का सर बैल का सर बे के मानी बैल घर शक्ल बिगड़ कर बनी अलग जो है वो गाय की शक्ल है बे जो है वो घर की शक्ल है जीन जो है चमल यानी ऊन की शक्ल है इस तरह देखते जाए सारे देखो तफसीला तो आप एक कोशिश उसने की इस कारण ने बताया समझाया किस तरह प्राण को समझो वो बाहर के दानिश्वर कुरान को इस तरह समझाने की कोशिश करें हम आप अंदर के बैठ जाए हम कुरान से इतने बेखबर हो जाए कुरान ये कहे फिक्र करो हमने जो आए आपके सामने सरनामे तलाक में पेश की है इसीलिए पेश की है कि वो कसमें जो मामूद ने खाई उसने रात क्या कहा मामूद चाहता क्या है ये कसमें खाकर क्या बताना चाहता है बच्चों को मतोहा बल हमारे कसम है आफ्ताब की कसम है महताब की और सिर्फ आफ्ताब की कसम नहीं बल्कि आफ्ताब की कसम और उसकी रोशनी की कसम और चांद की कसम तनहा नहीं बल्कि चांद की कसम और उस आलम की कसम जब वो बिला फासिल आफ्ताब के पीछे पीछे आए जब वो आफ्ताब के पीछे पीछे आए सलावत के आप की कसम महताब की कसम
सिर्फ आफ्ताब और महताब की कसम नहीं बल्कि रोशन आफ्ताब की कसम, उसकी रोशनी की कसम। और चांद की कौन सी हालत? जब आफ्ताब डूबे तो उसके फौरन बाहर आए चांद, यानी बिना हौसला दुनिया में कोई ना हो। अच्छा, चांद की कसम खाए, सूरज की कसम खाए, करोड़ तारे बनाए, तारों की कसम क्यों नहीं खाता? पूरा कुरान देखे शताब्दी कसमें कहीं तारे की कसम नहीं पाई। वल्लज़ी निरहा, मुझे तारे के उतरने की कसम, अमल की कसम, तारे की कसम नहीं। अब बात समझ में आए, अब आफ्ताब भी आया, चांद भी आया, तारा भी आया, अब बात साफ हुई। जब तीनों आ गए तो अब बात साफ हुई कि आफ्ताब कोई और है, महताब कोई और है, तारा कोई और है। सलाम के लिए।
सुभान अल्लाह। तसल्लुक देखने जाए आज की तकरीर किसकी नजर है, उलमान भी देखे वो जिंदगी को बात करे उसके घर के लिए, तो तुम हमारे घर के लिए, हम फिर तुम्हारे घर के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे घर की जानी देखो, हम तुम्हारे घर की जानी देखेंगे। तो ये बात पहले ही नहीं हुई, इस तरह नहीं हुई कि आवाज दे कुरान और ये कहे वमिनन्नासिमयश्री नफ्सुतगा मर्ज़ाबिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिलिबाद। कुछ मर्दाने खुदा में ऐसे भी हैं जो अपने नफ्स को बेच दिया करते हैं, मर्जियां खरीद लेते हैं, अल्लाह ऐसे ही लोगों पर मेहरबान है। वाह अल्लाह। तो नफ्स आज भी का शरे हिजरत भी का नहीं, नफ्स तो वहां वहां जिता जाएगा जहां जहां सुलूक में ये नफ्स होगा। वाह अल्लाह वाह अल्लाह वाह वाह वाह। वहां वहां बिकता जाएगा तो निशान से बिकेगा। कैसे बिकेगा? हम अपने घर की हिफाजत करें, आप करेंगे अपने माल की हिफाजत करेंगे, लेकिन सना देंगे दुनिया को हटाएंगे। और हम सारा कैसा पाल रखों का भी अस्थाव देखी, क्या आपने नहीं देखा कि हमने असाबित दिल के साथ क्या किया? कब का वाकया है ये? कब का वाकया है? तारीख रब देखे जाए लड़का दस मिनट कुरान, दस मिनट कभी और तारीख और उसी का तस्वीर के साथ 15 मिनट मसाइल और तस्वीर कमाओ। हर चीज देखी जाए जैसा कि पहले मैंने तभी पे कहा, कब का वाकया है? यानी जब हाथियों का हमला होगा काने काबा पर, तो सने आमुल भीड़ शुरू होगा। और जिस साल सने आमुल भीड़ शुरू होगा उसी साल सत्ती मर्तबत पैदा होंगे, उसी साल विलादत होगी। तो अभी तो विलादत हुई नहीं, वाकया हुआ, इस्लाम आया नहीं। इस्लाम आने से पहले का वाकया कुरान में गए, अभी तुमने देखा हमने हाथियों के साथ क्या किया? देख कौन रहा था? अब्दुल मुत्तलिब देख रहे थे या उल्टा देख रहे थे या मुत्तलिब देख रहे थे? अमल अब्दुल मुत्तलिब का, अमल अब्दुल मुत्तलिब का कहानी तुमने देखा? वही होते का तो मामूल ये कहेंगे ना समझना कि उनका अमल अलग, इनका अमल अलग। इनकी जिंदगी पैदा होने से पहले की, इनकी जिंदगी वफा के बाद की। यानी कितने अमल इस्लाम में होंगे पैदा होने से पहले वो सब हबीब के, जितने अमल हबीब के बाद होंगे वो सारे अमल हबीब के। देखा तुम लोग करे अपने हाथियों को, अल्लाह ने कहा तुमने देखा? हुसैन और मेरी वाना मेरा हुसैन सब तुम्हारा करके अमल लेगा, अमल लेगा तो सारे अमल एक जिंदगी पहले की, जिंदगी बाद में भी। तो कुदरत आवाज से अभी तुमने देखा हमने हाथियों के साथ क्या किया? तो अब ये रब है, कहा था मैंने 2 साल पहले हजरत कुरान का जो अच्छा पढ़ा था उसमें मैंने ये बात कही थी कि क्या मामूद ने अल्लाह के पैगंबर को तन्हा छोड़ दिया? इस्लाम अगर नहीं आया तो क्या इनको मुमकिन इस्लाम नहीं माना जाएगा? कल मैंने कहा था कि जो पानी इस्लाम को पाले, पानी इस्लाम की हिफाजत करे, क्या वो मुमकिन इस्लाम नहीं? क्या वो मुमकिन इस्लाम नहीं? और फिर इस्लाम फिर उसको फिराजी अकीदत पेश करेगी कि जो दुनिया में चलेगा कुरान आएगा तो सीधा हम पेश कर देंगे। अलम तरह कहता तुमने देखा ये कसीदा है अब्दुल मुत्तलिब की शान में, ये कुरान का कसीदा है अब्दुल मुत्तलिब की शान में। तुम्हारा अमल अभी के तुम्हारा अमल है, अब्दुल मुत्तलिब का अमल तुम्हारा अमल। पता चले इस घराने में अगर शख्सियत दुनिया से चली भी जाए अमल जारी रहता है। आप कहेंगे दलील हदीस पढ़ लिया ना मैंने, उसे कभी पढ़ लिया ना मैंने, लेकिन अब आप कहेंगे तारीख से भी कोई दलील है कि नबी जाए अमल जारी रहे? अल्लाह का कहना तुमने देखा हमने हाथियों के साथ क्या किया,
नबी दुनिया से चला जाए, अगर उसको जरूरत हो उसे किसी बीवी को तलाक देनी है तो क्या होगा? अमल जारी, ये हयात पैगंबर का स्वरूप है, अमल जारी है, अमल जारी रहेगा, कयामत तक जारी रहेगा। इसलिए कि जब तक नफ्स रहेगा अमल जारी, और नफ्स दलील यानी नफ्स रहे अभी जिंदा, कुरान में ही तो कहा कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हम हर नफ्स को मौत का मजा चखाएंगे। पूरे कुरान में नहीं कहा कि हम किसी की जबान को मौत का मजा चखाएंगे, हम रूह को मौत का मजा चखाएंगे, हम जिस्म को मौत का मजा चखाएंगे। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, नफ्स को मौत का मजा चखना है तो वो यह मौत का मजा नफ्स चखेगा। नफ्स की वजह से इंसान की मौत वाते होगी, रूह नहीं मरेगी, जिस्म नहीं मरेगा। हर आम इंसान का जिस्म भी जिंदा, रूह भी जिंदा। नफ्स 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 तीन चीजें, मोहिउद्दीन अरबी कहते हैं तीन चीजें, एक रूह एक जिस्म एक नफ्स। नफ्स क्या मुकदमे के इमाम बारगाह में मजलिस पढ़ते हुए मिसाल दी, माचिस की भी गली उस पर एक लेवी लगा हुआ, वो चिंता हुआ कैसे चिंता हुआ, गोल से रही से तरे से, और वो खुश हो जाए लेकिन अलग हो गया माचिस की अलग हो गई। फिर आप तो जरूर कहते हैं कि आप उसे चिपकाए तो तीसरी शहर फिर आपने बीच में लगाई, दोनों चीजें मिल गई, चीजें पक गई, ये है ना। मोहिउद्दीन अरबी कहते हैं रूह मालूम की तरह से, जिस मानते की तरह से, जब दोनों को जोड़ने की जरूरत हुई बीच में मालूम ने नक्श को डाला, रूह और जिस मिल गए। अच्छा के दोनों चीजें अलग हो बीच में नक्श निकाल लिया, सुल्तान चला, अमीर चला, अकेला चला,
और कौन से भी लोग आया और
हमें आज आपको चर्चा नहीं किया था, क्या हमारी कथा माफ हो सकती है? कहा हो सकती है, कहा आदम को अपने किसने चर्चा करे न हो आदम, जहां आदम के कब्र पर जाकर अपनी बेचानी रखने का कथा माफ हो जाएगा। मुलाकात हुई का कहा चले शेख के नगरी, अजीब दस ने यह कह दिया तारीख में बड़ा अजीब रोल है शेख के नगरी का। शबे हिजरत जब बात समझ में ना आई, बात से बात की तब ये क्या करो, शबे हिजरत जब फैसला न कर सके कि अपनी मतबर के लिए क्या करें, तो शेख के नगरी आया, उसने दारुल नदवा की पूरा कमेटी थी उसने आकर ये कहा कि भाई तुम लोगों के समझ में बात नहीं आती, हर कबीले के आदमी सुनो और जितने कबीले हैं सबका एक आदमी मिलकर जाए, सब मिलकर तलवार लगाएगा, कदम कर लो मिलकर, जब खत्म हो जाएंगे तो 40 कबीलों पर फूल बन जाएगा, अपने जमान किससे लेंगे बनवासी। हल्कों के समझ में आई शेख नजदी ले रहा है, तारीख में लिखा शेख नजदी का किरदार हमेशा से शैतान का था, फेस बदल कर शेख नजदी के रूप में आया, तो हबीब के पास भी शेख नजदी बनकर आया। अब्दुल वहाब का नसब पीर के पास भी शेख नजदी है, कसम सुन शेख नजदी नस्ल का रहने वाला शेख का पाट रोकू, अच्छा उनका पाठ किया हूं, हर कबीले से कार्य ले लिया। अब तो घबरा कर कहा ये जमा तो नहीं हुआ, अब जरा अरबों की जहान देखी का इजमा तो नहीं हुआ। शेख नजदी ने कहा क्यों, कर सारे कबीले आ गए, बनी हाशिम का नुमान का कहा है, यानी अरब के दस्तूर के मुताबिक सियासी आईन में अगर एक कबीला भी शामिल न हो तो इजमा नहीं होता था, एक कबीला न मिले तो इजमा ना हो, तो जाहिला कमर रहेंगे, अगर बनी हाशिम ना आए तो इजमा ना होगा, सती पाले बनी हाशिम के बगैर इजमा कैसा, कैसा इजमा, बनी हाशिम का सती पाले शरीक नहीं थे, दोनों ने कहा अच्छा शेख नजदी ने कहा ऐसा करो, बनी मैया का दामाद है अमीला, अब ससुराल भी रहता है, यानी अगर ससुराल गलत मिल जाए, ये नबी का कमाल था कि अरब के 11 कबीलों को ससुराल बनाया, कामयाब जिंदगी गुजारी, लेकिन एक के बस की बात नहीं, बनी मैया की बेटी डाला है अल्लाह, ससुराल का झुकाओ हमारा लगन है, बीवी का इकरार का अल्लाह को मिला लो, अब इजमा हो गया, कतले पैगंबर पर इजमा का आईन बनाकर शेख नजदी ने दिया, वही शेख नजदी इतना सही शेख नजदी, इतना अय्याश शेख नजदी, इतना मक्का शेख नजदी, चला पता माफ कराने, तो क्या शेख नजदी से भी मक्का कोई मदीने में था, इससे शैतान ने पना मांगी, शैतान पना मांग रहा है उससे, कहां चले गंदगी ने कहा कमरे आज पर चर्चा करो पता माफ हो जाएगी, इतनों को पहचान चुके, सारी मेहनत बेकार जाएगी, बेवकूफ हो गए हो, ये हजारों वर्ष गुजर गए उनका क्या होगा, जिन्हें पहचान चुके नजर उसका न जाना, इनका मना करना, अब पता चला कि अब्दुल वहाब की फिक्र कहां से आई, अब दुश्मनी बहुत इशारों में बातें हैं, क्या खोल के बयान करूंगा, आप मैं जिससे बात करेंगे खबरना पड़ गई, अब आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं, चला दुश्मनी कब उससे दुश्मनी, तो बताएंगे बनी हाशिम बताएंगे, तो नहीं हमारे यहां कब्र का एहतराम है, और इसलिए कब्र का एहतराम है कि हम आदि बनाते हैं ताकि इस घर का एहतराम रहे, नजर रहे तो भी पर नजर रहे, माने काबा से गुलाम को पकड़ कर आवाज की मानो जिस घर को बचा ले, और उसके बाद पूरे खानदान को लेकर
कोहे अब उबैद पर चले गए, मक्के का वो पहाड़ जिस पर दावत इस्लाम पहली बार हुई, जो खाने काबा के दामन में नजर आता है, खाने काबा से आज कल कहां कसरे खदीजा खदीजा हुआ करता था, आज वहां बादशाह का कसर है और वो कसर खाने काबा से ज्यादा बुलंद है। वो खाने काबा से ज्यादा बुलंद है, बादशाह का कसर है, खुदा के कसर से ज्यादा बुलंद। ये भी डर नहीं, ये भी डर नहीं, चेहरा की बाबत पर गुब्बा भी डर। तो कौन समझाए, अब उन्हें कौन समझाए, चेहरे के आदमी बेचक है इल्म नहीं, क्योंकि शहर इल्म से वापस थी, बातें इल्म से वापस थी। तो क्या हो, चेहरे होगा बल है कल, और उस पहाड़ी पर पहुंचकर दस बेटों को आवाज कमे करीब आ जाए, और उसके बाद आवाज दी, कहां है तेरा बेटा, एक बड़ा दूसरा बड़ा कभी मेरा बेटा। इसराइल करते थे एक तो बेटे समझ जाते थे कि आप अल्लाह को बुला रहे हैं, सबसे छोटे बेटे को बुला रहे हैं, अब एक नफ्स पर नजर है, बेटा आया कभी कटाओ पहाड़ की पुश पर जाओ, पहाड़ की पुश पर जाओ और जाकर देखो आसमान पर कुछ नजर आ रहा है, बेटा गया वापस आया कबाला कुछ नहीं नजर आ, कब फिर जाओ बेटा अब्दुल्ला फिर गए वापस आए तो क्या देखा, कबाला दो आसमान पर श्या बादल से नजर आ रहे हैं, हाथों को बदल दिया तो मदद आ गई, मदद आ गई, बस इतनी देर में अब अमीर का लश्कर आ गया, एटम बम निर्णय लिए, हाथी भूसा बन गए कुरान कहता है, अब अमीरों ने अंगड़ियां गिराई। बस पूछना ये है कि क्या अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें पहले से मालूम था मुझे मदद आ रही है, कुरान तो नहीं आता तुम पर, वही तो नहीं होती। इसके माने ये है कि मामूल से तुम्हारा रास्ता है, जब मामूल से रास्ता है तो तुम काफिर कैसे हो सकते हो। खत्म हो गई तकलीफ, कल इंशाल्लाह फिर से इस तसल्सुल के साथ, बेटा बेटा आमना का चंद गोद में आए, पोते को गोद में लिया, पोते को गोद में लिया, लुगते अरब में मोहम्मद नाम नहीं था, अली नाम नहीं था, हसन नाम नहीं था, हुसैन नाम नहीं था, पोते को देखा चांद से पोते पर नजर गई, हमने का नाम मोहम्मद रखा, अरे इल्म इलाही में ये नाम था, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मालूम कैसे हुआ, नाम किसने रखवा दिया, ये नाम मालूम रखना चाहता है, अभी लुगत में नहीं आया कुरान में आएगा, तो हाँ रब इशारा करे कि पोते का नाम रखो, रास्ता कायम है, रास्ता कायम है, ये है वो मोहसिन इस्लाम जिनके ईमान से इनकार करने वाला खुद बेईमान है, वो ईमान क्या देगा अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब को जिसके पास खुद ईमान है, जो सलमान ईमान है वो ईमान देंगे, वो ईमान की बात करेंगे, पूरा कराना अब्दुल मुत्तलिब दस देंगे सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला, और कल नहीं तो हुआ और फिर कल इंशाल्लाह जिक्र होगा अबू तालिब का जिक्र, अब्दुल्ला का जिक्र, आमना का जिक्र, फातिमा बिनत आसफ का जिक्र, सब मोहसिनीन इस्लाम, ये इस्लाम पर एहसान करने वाले, ये रब था, ये रब था, ऐसा रब के सभी मकबत की जिंदगी के तीन दौर, पहले दौर में इस्लाम को बनाना है, दूसरे दौर में जिंदगी के इस्लाम को फैलाना है, जिंदगी के तीसरे दौर में इस्लाम को बचाना है, दो दौर हयात में, तीसरा दौर हयात के बाद। तीसरा दौर हयात के बाद, पहला दौर इस्लाम बनाना है, जब इस्लाम बनाओगे अबू तालिब साथ में मदद करेगा, इस्लाम बने तो अबू तालिब साथ है, अब इस्लाम फैलाना है अबू तालिब का बेटा अली साथ है, अब इस्लाम बचाना है अबू तालिब का पोता हुसैन, एक कराने की बात, दादा बेटा पोता बार बार नहीं जाएगी, जिंदगी के तीन दौर, तीन दौर अबू तालिब अली हुसैन, और हुसैन सिंबल बन गए तारीख इस्लाम को बचाने के लिए, 72 को लेकर आए थे और उनने कहा अरे हुसैन फरमाई चाहिए कि मैं जितने अब्बास को तब्दील को तमाम करूं उसी दिन पर तमाम करूं,
तो देखिए आपने बाबा पहले ने जिक्र किया था, बेटों को हटाएं, बेटों को बुलाएं, भतीजे को हटाएं, बेटों को सुला दें, सारी तुम सो जाओ, अभी तुम सो जाओ, अली तुम सो जाओ। ये चचा और भतीजों की मोहब्बत, ये चचा भतीजों की मोहब्बत। तो इस घराने में चचा हमेशा मंजिल अकबर पर पाया जाओ, वो चाहे अब तालिब हो, चाहे वो कासिम का चचा हुसैन हो, चाहे वो सकीना का चचा अब्बास हो। क्या कहना, चचा की मोहब्बत, इस घर में चचा की मोहब्बत का क्या कहना। जब मांगे जाए आज की तकरीर से बब्बास की नज़्र बताए थे, आने वाली किसी तकरीर में उम्मुल हनीन का जिक्र करूंगा। उनकी अब की रिश्ता ज्यादा की सलाम किया, ज्यादा उम्मुल हनीन का बेटा, उम्मुल हनीन का बहादुर बेटा, 32 साल का बेटा, 32 साल का जवान राणा, जिसे देखकर हुसैन की छाली बाबू से बढ़ जाती है, अजमत से शर्म क्या है। अब्बास जैसा भाई भाई है, भाई है। जब पैदा हुए तो हुसैन 25 बरस के थे, जब अब्बास को पहली बार गोद में लिया तो हुसैन 25 बरस के थे। 25 बरस बड़ा भाई बाप बनकर पाला है, अब्बास से भाई नहीं बेटे की तरह सीने पर सुला परवाज करवाया। और अब्बास का वो बचपन, वो बचपन जानू परवाली के बैठे हुए जैसे अब्बास जब हो रहा था जब ने तो शिकायत की थी, वो कर रही है आला के पास नहीं मिले ना कि लता ने फरमाई थी कि दिखे अब्बास की एक तकलीफ मेरा मन की है, तकलीफ खासे पर पहुंच रही है और चल जानू पर बैठे हैं, छोटे से हैं। कहा बेटा कहो एक, अब्बास ने कहा एक, कहो बेटा दो। बाप के चेहरे को देखा, कहा बाबा जिस मुंह से एक कहने का आप दो कहते हो। बेटे अब्बास के लिए अब्बास बसीर के अब्बास बचपन, जिस मुंह से आपा कह दिया भाई कहां से हैं, कहते हैं बचपन से आदत है एक कहकर दो नहीं कहते। बाप कहला रहा है एक कहकर दो नहीं कहते, एक बात पर कायम रहना बचपन से आदत पड़ गई। 5 साल के हो गए तो याना हुसैन इसमत सरा के बाहर कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, मदीने का मजमा आए अर्जियां लेकर गुलाशें लेकर, हिम्मत नहीं किसी की कि हुसैन के करीब चला जाए। तो कुर्सी के पहलू ने 5 साल का शेर हाथ बांधे पड़ा था, जब तक अब्बास से इजाजत न मिले हुसैन के करीब को नहीं जा सकता। 10 साल ये हो गए, मुख्तसर मुख्तसर उनसे हम दरमियान से गुजरते जा रहे हैं, तफसील का वक्त नहीं है, दरमियान से गुजरते हुए कटे देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल के हुए, अब यह आलम है, अब यह आलम है मदीने के घर में जाए, दरवाजे पर दस्तक देकर पूछे तुम्हारे घर में पानी तो नहीं खत्म हो गया। अगर अब्दुल मुत्तलिब हाजियों को पानी पिलाए, अगर अली बदर में पानी लाए दस्तक को पानी पिलाए, तो बचपन से अब अबू तालिब के पोते की भी आदत है मदीने में कोई प्यासा न रहे, मदीने में कोई प्यासा न रहे। आप समझेंगे तारीख का मुबारक है, नहीं खुदा की कसम जिन्होंने हज किया है वो जानते हैं, कदम कदम पर पानी की जरूरत महसूस होती है। एक कदम घर से बाहर निकाला पानी की बोतल साफ, अरब की गर्मी, अरब की गर्मी पानी साफ, वरना हज नहीं कर सकते। सही करना हो या कबाब करना हो या अरबाज जाना हो या मीना जाना हो, पानी साफ रखना लाजिम। और हाजियों को सिर्फ दो तोहफे मिलते हैं हुकूमत की तरफ से, एक कुरान और एक पानी। पानी तोहफे में दिया जाता है, तो मैंने देखा कि इतना पानी दिन भर लुटाया जाता है गाड़ियों पर से रोज में, उसके बाद भी आराम प्यार से ये वक्त
ये क्यों प्यास है? ये प्यास क्यों नहीं बुझते? प्यास क्यों नहीं बुझती? प्यास बुझ जाती तरक्की याफ्ता दौर में पानी की कमी नहीं है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क पानी जा सकता है, लेकिन कुदरत चाहती है पानी पीकर प्यासे हो। प्यास का एहसास तो हो, प्यास का एहसास तो हो। क्या किया पता निकले तुमने? एहसास तो हो। रसूल ने इस्लाम के घराने के साथ क्या किया था? एहसास तो हो। ये एहसास बनी हाशिम जो था, पानी तो नहीं खत्म हो गया। अगर आज आपकी पानी नहीं है, अब्बास मशीदा दाग कर जाए, गैर का घर हो, किसी का घर हो, अजीज का घर हो, दोस्त का घर हो, पानी पहुंच जाए मदीने में कोई प्यासा न रहे। मालूम है आपको हाजिरी अब्बास की क्यों होती है? किसी और की हाजिरी क्यों नहीं होती? आज मोहर्रम को अब्बास की हाजिरी क्यों? सिर्फ अलंदाज नहीं है, सिर्फ अलंदाज नहीं है, सारे घराने के खाने और पानी की जिम्मेदारी अब्बास पर है। कोई भूखा हो या कोई प्यासा हो, अब्बास को लेके तारीफ में मिलता है कि कमीना ने किसी और से कहा पानी लाओ, हमको पानी पिला दिया। पानी पिलाने की ड्यूटी है, बात जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना है। और फिर बनाने के एक एक पद की इबादत, थोड़ा तैयार अभियान पर जाऊंगा। मदीने में निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं पैरों में मनिया हुसैन की जमीनों पर। उधर शाहजादा उसके दिल पर कलंक हुआ, उधर अब्बास का घोड़ा चला, उधर चला इसलिए शाहजादा अकेला न जाए। चचा साथ में भतीजे, चचा और भतीजे की वहां पर तारीफ मिलती है। अली अकबर के घोड़े के साथ साथ अब्बास का घोड़ा चले। और जब मदीने के बाजार से दोनों की सवारी हो गई तो दुकानों पर बैठे हुए दुकानदार चेहरों को देखते रहे। और जब तक अली अकबर और अब्बास नजर आए, वो उस पर नजर आए और हरे के हाथ उठाकर कहे, इन शहजादों को अल्लाह सलामत रखे, जब तक अली जब तक अब्बास है हम अली को देख रहे हैं, जब तक अली अकबर है हम रसूल को देख रहे हैं। जमाने का बड़ा पड़ता और शूर का दिन था जब अब्बास कह रहे थे आपका इजाजत, तकलीफ खत्म हो गई। वो मदीने का वादा, वो मोहब्बतें, ये करबला का मैदान, आपका इजाजत, तुम्हें कैसे जाने दो, तुम्हें कैसे जाने दो, तुम तो मेरे शक के अंदाज हो। जब जुमला सुना रहने की जानी देखा, आई जानी देखा और कहा, जिस लश्कर का अल्लाह शुरू को बनाया था, आप लश्कर कहां है? वो लश्कर कहां है? वो लश्कर कहां है? हम अब्बास को नहीं जाने नहीं देंगे। अच्छा अब्बास, अगर जाना चाहते हो तो आप ऐसा करते हैं, दोनों साथ चले, एक तरफ तुम हमला करो, एक तरफ हम हमला करें। जवाब सुनेंगे, जवाब सुने, हाँ काम करना, हाँ ये नहीं हो सकता। क्यों? दोनों साथ करें जवाब नहीं आता, ये नहीं हो सकता। आप उधर हमला करेंगे, मैं इधर हमला करूंगा, मैं लड़ने में लगा होगा। अगर उस वक्त आपके जिस पर कोई गिर न गया तो अब्बास क्या करेगा? इस जुमले ने बताया कि जब तक अब्बास जिंदा थे, हुसैन के जिस पर कोई काबू नहीं आया। वाह अली जुमला का है, पहले जरा से कह रहा हूं, जब तक अब्बास जिंदा है जिस पर तेज नहीं आने दिया, कोई जख्म नहीं आने दिया, इजाजत नहीं मिली। पहले का पर्दा उल्टा, अंदर गए, कहां रहे मेरी बच्ची सकीना, चचा की पहली आराम पर बच्ची दौड़ती हुई आ गौर ने लिया, क्या सकीना क्या आना है? कहा तो प्यार से जमलन और वो बहुत खुश हो गए। मैंने क्या मुंह को आ गया, अलम मिला पानी नहीं मिला, क्या सकीना पानी लाएंगे, पानी लाएंगे, पानी लाएंगे, आओ मेरे साथ चलो। बाबा ने इजाजत दिला, कौन ले लिया वश अलम ने बंदी, नंदे से मासूम हाथों से मश बंदी। आज भी अलम और वश का साथ है, मशीदा अलम से अलग नहीं हुआ, बड़े मुबारक हाथों से बना था। सकीना की यात्रा अलम में रह गई, आज भी अलम का अलम है, फिर मशीदा लेकर निकलते हैं चचा और भतीजी की मोहब्बतों का संगत। चलो याद मिलाओ, सकीना को लिए हुए आए,
हुसैन ने आके देखा, अब्बास से कुछ नहीं कहा, बेख्तियार कहा सकीना सकीना, चर्चा को देश को रही होती है। अब पार न सको, अकेली पार न सकोगी, बस अपनी तमाम गई आल रसूले मदनी आले अदरी
ये खत में बाबा से
कहती थी बात मातुरा तजब की तीसरी को तुमने खैर किया वीरान। तुम्हारे बाद हुई तीनी दे बाबा जाप शबे बरात हुई दूसरे महीने आया बरूह हमजा नती मुझ में फातिहा की दवा तमाम रोज तड़पते तड़पते राती हुई हमारे घर में ना ईदे शबे बराती हुई हमारे घर में ना ईदे शबे बराती हुई घर में बाबा से कहती फातिमा सुगरा यही दिन तो गई दिनी से फितर का आया खराने कर मेरी हम जोड़ियों ने रुलवाया अरे किसी ने गहना किसी ने लिबास दिखलाया तो ही ये बोली के ईदी में हम ने ये पाया हर एक खुश था मगर मेरे लफ ना लेते अरे सफर में सब मेरे ईदी के देने वाले थे सफर में सब मेरे ईदी के देने वाले थे हक में बाबा से कहती थी फातिमा सुहरा अरे वो खुश हो ईद में जा कल्प का चुमारा हो अरे कसम लो बाबा जो कुर्ता फटा उतारा हो कसम लो बाबा जो कुर्ता फटा उतारा हो अगर सियाना वतन में जो फिर तुम्हारा हो अरे तुम्हारा ईद हो नौरोज भी दोबारा